পাহাড়ে প্রকাশ্যে সাংসদ ও ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের সাথে বৈঠক করে তাকে একটি স্মারকলিপি তুলে দিলেন ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি দল। পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিজেপির সাথে জোট করছে পাহাড়ে বেশ কয়েকটি অঞ্চলের রাজনৈতিক দল। আটটি দলের এই জোটকে নাম দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্স। তবে জোটের প্রার্থীদের নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল ও তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তার নেতৃত্বে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থ হন ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে রাজ্যপালের সাথে তারা দেখা করে রাজ্যপালকে সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ জানান। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিংসার আশঙ্কা করে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত রাখার আবেদন জানানো হয়। এদিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাদের দাবি দাওয়াগুলি নিয়ে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এদিন দার্জিলিং এর সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এর বিধায়ক নীরজ তামাং, জিম্মা সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम सब का मिलना हुआ, जिसमें दार्जिलिंग कालिंपोंग हिल्स के गोरखा एयरलाइंस के करीब 8 पार्टियों के प्रतिनिधि उनके साथ बैठना हुआ। हमारा गवर्नर साहब के साथ मिलने का मुख्य विषय पंचायत चुनाव को लेकर के था। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से जोया चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई, किस तरह से सिलीगुड़ी में पार्टी ऑफिस, बीजेपी पार्टी ऑफिस को जलाया गया, और आज जिस तरह से पहाड़ के अंदर में वातावरण को दूषित करने का काम टीएमसी और उनकी सहयोगी द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम जो है सांसद को धमकी दिया जा रहा है, हमारे जो अलायंस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है जो पैसा भ्रष्टाचार से उनके पास है, और नॉमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की जो है प्रेशर उनके ऊपर बनाया, और आज जो है जिस तरह से खुलेआम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप वोट देने जाओगे इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा, इसका मतलब अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यानी जनता घर से निकल करके वोट कर नहीं सकती, ऐसी स्थिति टीएमसी ने बनाई है। इन सब विषयों के ऊपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई, और हमने एक प्रमुख मांग जो है गवर्नर साहब के साथ रखी है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर में सभी बूथों में सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके अलावा जो एक और विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होगा वो चुनाव होने के 6 सप्ताह तक वहीं पे रहे, क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा, चुनाव होने के बाद जहाँ जहाँ टीएमसी हारती है वहाँ जो है ज़्यादा वायलेंस होता है, और इस बार पहाड़ में टीएमसी और उनके अलायंस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है। तो हमें ये एक डर और भय है, हम जनता को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उम्मीदवार का चुनाव हो जिससे वो गांव-गांव में विकास करें।